नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुक्राचार्य धनुराशि में प्रवेश कर चुके हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च का और कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र के धनुराशि में इस गोचर का विभिन्न राशियों पर असर होगा, तो किस राशि पे शुक्राचार्य के क्या प्रभाव होंगे, इसके सुफल सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और इसके अशुभ फलों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि, शुक्राचार्य आपके नवे घर में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र के इस गोचर से आपको भाग्य का भरपूर लाभ मिलेगा। आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। बेहतरी के लिए मेहनत जारी रखें और व्यर्थ के कामों में पैसे खर्च करने से बचें। शुक्र के अच्छे फलों की सुनिश्चित करने के लिए आपको काली या लाल गाय की सेवा करनी होगी। नीम के पेड़ के नीचे चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा दबाए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वृषभ राशि, शुक्राचार्य का यह आपके आठवें घर में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र के इस गोचर से आप अपनी कही बात का मान रखेंगे और उस कार्य को पूरा करेंगे। इस दौरान दूसरों की लड़ाई झगड़ों में पड़ने से बचें। शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आप ज्वार का दान करें। जीवन साथी की सेहत में सुधार होगा। प्रतिदिन मंदिर में सूर्य का शत्रु कमजोर होगा। मिथुन राशि, सुखबाल और शुक्राचार्य आपके सातवें घर में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र इस गोचर से आपको परिवार का सुख मिलेगा, धन लाभ होगा और दूसरों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। आपको कई महत्वपूर्ण यात्राएं करनी पड़ सकती है। शुक्र के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको प्रतिदिन माता पिता का आशीर्वाद लेना होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले शुक्राचार्य आपके छठे घर में हैं। अगर आप विवाहित हैं तो शुक्र के इस गोचर से आपको धन लाभ होगा। आपके भाइयों की तरक्की होगी। हालांकि संतान पक्ष से अधिक सुख की आशा न रखें, अपना कोई काम अधूरा न छोड़े। शुक्र के सुप्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए आपको चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें, अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें। सिंह राशि वालों को शुक्राचार्य आपके पांचवें घर में प्रवेश हैं। शुक्र के इस गोचर से परिवार के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, साथ ही धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और हर तरफ से आपकी तरक्की होगी। आपके पैसों से वृद्धि होने वाली है। शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको गाय और माता की सेवा करनी होगी। संपत्ति में वृद्धि होगी, दूध का भी दान करें। कन्या राशि, आपको शुक्राचार्य आपके चौथे घर में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र के इस गोचर से आराम पसंद लोगों के आप दोस्ती बढ़ाएंगे। इष्ट देवता का हाथ आपके ऊपर बना रहेगा, लेकिन आपको शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आप प्रतिदिन कुएं में एक चुटकी हल्दी डालने से बच्चों के काम बनेंगे। नशा अवॉइड करने से बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तुला राशि, शुक्राचार्य आपके तीसरे घर में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र के इस गोचर से आपको माता पिता का भरपूर सुख और सहयोग मिलेगा। शुक्र के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको प्रत्येक स्त्री का सम्मान करना होगा। अपना मन भटकाने से बचाए और किसी के किसी काम में आपको बिजी रखने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि, शुक्राचार्य आपके दूसरे घर में प्रवेश हैं, इसलिए शुक्र के इस गोचर से आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आपको सुनिश्चित सुफल सुनिश्चित करने के लिए आप 200 ग्राम गाय का घी मंदिर में दान दे, 2 किलो आलू हल्दी पीले करके गाय को खिलाए। धनुराशि, शुक्राचार्य आपके लग्न स्थान पर गोचर कर चुके हैं। शुक्र के इस गोचर से आपको धन वाहन आदि सब सुख मिलेंगे, लेकिन शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए संत सतनाश का दान करें। जीवन साथी की सेहत में सुधार होकर काली गाय की सेवा करें। मकर राशि, शुक्राचार्य आपके 12वें घर में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र का यह गोचर आपकी किस्मत के दरवाजे खोलेगा, लेकिन शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए घर की महिला अपने हाथों से वीराने में नीला फूल या घर की धूल दबा दे, सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि, शुक्राचार्य आपके 11वें घर में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र के इस गोचर से आपको धन लाभ होगा। आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी, लेकिन इस दौरान शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तेल का दान करना होगा। मंदिर में रुई और दही का भी दान करें। मीन राशि, शुक्राचार्य आपके 10वें घर में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र के इस गोचर से आपको वहाँ सुख मिलेगा। आपका बुढ़ापा और जवानी दोनों अच्छे से बीतेंगे। शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आप संयमता से काम लें, शनि संबंधी उपाय करें और तेल का दान करें।